वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया में सभी को न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए बल्कि सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचनी चाहिए। आज इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से जूझ रही है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाते हुए आज हम आपको मिलवाएंगे कार्डियोलॉजी डॉक्टर चेतन राठी से और जानेंगे स्वास्थ्य को लेकर हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। मैं डॉक्टर चेतन प्रकाश राठी, कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, हृदय हार्ट केयर एंड एरिथमिया क्लिनिक, रामदासपेट, नागपुर। जी चेतन सर, आप मुझे बताइए, आज जागतिक स्वास्थ्य दिन है जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहते हैं। लोग हेल्थ अगर बात अगर आए तो सबसे पहले हेल्थ को दिल से जोड़ के देखते हैं। दिल अच्छा तो हेल्थ अच्छे से लोगों सोचना, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्डिंग हेल्थियर एंड फेयर एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन, ये इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी थीम डिसाइड की गई है। जब भी हेल्थ की बात आती है सबको लगता है हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, मीन्स पेशेंट को कोई हार्ट की कंडीशन ना हो वो बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। जिस तरह हार्ट की कंडीशन इम्पॉर्टेंट है उसी तरह मेंटल बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं उन्होंने तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए और उसके अलावा बाकी लोगों ने भी अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखना जरूरी है जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ ना हो और वो अपनी हेल्थ एकदम फिट रख सके। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति और क्या क्या कर सकता है जिससे स्वास्थ्य बना रहे? स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डाइट। आप जो डाइट में लेते हैं आपका जो आहार है वो संतुलित रहना चाहिए ताकि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छे से इम्प्रूव हो। डाइट के अलावा आपको एक डेली कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। उसी के अलावा आपके दैनंदिन जीवन में, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आप मीडिया वर्कर हो, जो भी हो, हर किसी के जिंदगी में एक थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर यानी तनाव होता है। जब तक आप तनाव से दूर ना हो पाएंगे तब तक आप खुद को मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगासन, प्राणायाम, ये अपने अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ये दोनों इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीजें करना बहुत उचित होता है। आपने जैसे बताया प्राणायाम और व्यायाम, ये स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किस हद तक लाभदायक है? मैं कहूँगा कि डेली 10 मिनट का प्राणायाम और 10 मिनट का योगासन अगर आप इतना भी करते हैं ना, और अगर आप रेगुलरली उतना कर रहे हैं तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जिस तरीके से इम्प्रूव होगा इसका जवाब आप मुझे देंगे रादर देन मैं आपको बताऊं। जी सर, अगर दिल के बारे में अगर बात की जाए, नॉर्मली देखा जाता है कि दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हद तक की हो जाती हैं। दिल की बीमारी उम्र का ऐसा कोई टारगेट नहीं रहा है इसमें कि इसी उम्र वालों को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली क्या कारण है सर कि इतने कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम सामने आ जाती है? ब्लॉकेज जो एक ऐसा पहले लोगों में मानना था कि अगर उम्र 40 या 50 के ऊपर हो जाती है तभी हमें हार्ट की कंडीशन होंगी, लेकिन अभी हम रेगुलर लाइफ में भी इवन 20-22 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आके उनका एंजियोग्राफी होकर एंजियोप्लास्टी होते हुए देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, पेशेंट का डाइट हो गया, पेशेंट की डेली लाइफस्टाइल हो गई, पेशेंट का जो बाकी मेंटल फिटनेस हुआ है, पेशेंट एक्सरसाइज करने में कम हो रहा है, और बाकी जो रूटीन लाइफ का जो स्ट्रेस है इस चीज़ की वजह से ये कंडीशंस यंग एज में आना शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य की तो बात होगी दिल से रिलेटेड, आपने दिल और दिमाग को लेके युवा प्राणायाम भी बता दिया है, लेकिन अभी दौर चल रहा है कोरोना का, लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के अगर एक्सरसाइज वगैरह कर भी लेते हैं तो भी कोरोना जो है वो जीने नहीं दे रहा, तो कोरोना को लेकर क्या कहेंगे? कोरोना जीने नहीं देंगे, वो बात तो सही बात कही आपने, लेकिन ये कोरोना ने ही लोगों को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहने का वापस से इशारा दिया है। कल देखेंगे आप कि 1,15,000 केसेस ऑल ओवर इंडिया हुए और नागपुर में देखेंगे तो 5,338 केसेस हो चुके हैं। तो जब तक लोगों में ये चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं आएगा कि हमें कोरोना के साथ अब आगे बढ़ना है, वी कांट स्टॉप आवर लाइफ बिकॉज ऑफ द कोरोना, द शो मस्ट गो ऑन, द थिंग शुड बी कंटिन्यूड, तो कोरोना के साथ जब जीना है तो बाकी जो प्रिकॉशंस जो सब लोगों को पता है वो फॉलो करना जरूरी है। ये मास्क भी मैंने अभी इसलिए नीचे किया है क्योंकि मेरे 6 फीट में कोई नहीं है, वरना मैं भी बिना मास्क के आपसे बात नहीं करता था। सर, अगर हम हृदय हार्ट सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हार्ट के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? ये मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं कंसल्टिंग ECG और इको प्रीफर करता हूँ। जिस पेशेंट का 24 घंटे का BP मॉनिटरिंग या फिर
ईसीजी मॉनिटरिंग करना रहता है वो करता हूँ। अगर कोई पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो बाकी सेंटर्स में एडमिट करके ट्रीटमेंट करता हूँ। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, आईसीड इम्प्लांटेशन और सबसे इम्पोर्टेंट दिल की धड़कन का जो ट्रीटमेंट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, वो करने वाला नागपुर में मैं एक में तज्ञ हूँ फिलहाल। तो भी क्या बात है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करने वाले आप एक में तज्ञ हैं पूरे नागपुर में जी। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ये दिल की धड़कने नापना क्या महत्वपूर्ण है इसमें क्या? कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, 180, 200, 250 तक बढ़ जाती है और दवाइयाँ लेके वो ठीक हो जाती है, लेकिन जिस पेशेंट में बार बार ये तकलीफ होती है उस पेशेंट में आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे कहते हैं ईपी स्टडी, मीन्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी। और उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो स्टडी का ट्रीटमेंट किया जाता है उसे कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। नागपुर में कई जगह जगह से विशेषज्ञ आके इस तरह के ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं, कोई मुंबई से आता है, हैदराबाद से आता है, बैंगलोर से आता है, बट अभी तक कोई नागपुर में ऐसा कोई तज्ञ नहीं है जो इसके ट्रीटमेंट रेगुलरली कर रहा है। टचवुड ये करने का मैंने डिसाइड किया है एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद दैट। बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा बैकलॉग रहेगा, बट जब तक आप लाइफ में पीछे नहीं जाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जी। सर आपके बारे में अगर बात की जाए तो आपने डॉक्टरी फील्ड चुनी, किस तरह की स्ट्रगल था, क्या एडवेंचर थे जब आपने डॉक्टर फील्ड चुनी और डॉक्टर बनने की? डॉक्टर फील्ड चुनने का हेतु एक ही था कि लोगों की सेवा करना, लोगों को ठीक करना, वो मेरा पैशन था इसलिए मैंने डॉक्टर फील्ड चुना, और कोई रीजन नहीं था डॉक्टर फील्ड चुनने का। मैं आईएएस करके या फिर इंजीनियर करके अभी कहीं तो भी बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके सुखी जिंदगी भी जी सकता था, बट आई थॉट इट्स बेटर टू सर्व द पीपल और लोगों को ठीक करना ताकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें भी आपने अपनी स्पेशलिटी इतनी अलग बनाई कि नागपुर में आप ओनली एक वो स्पेशलिटी के लिए मैंने मेरा जो कार्डियोलॉजी का 3 साल का स्टडी, उसके बाद मैंने 6 महीने का फेलोशिप किया मुंबई में, ताकि मैं नॉर्मल कार्डियोलॉजी का काम तो करने ही वाला हूँ, उसके अलावा ये जो ईपी स्टडी है, जो एरिथमिया के पेशेंट होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ने वाले पेशेंट, उनका भी मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। और नागपुर के अलावा मैं वर्धा में जो सावंगी मेघे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी अटैच हूँ, तो जो पुअर पेशेंट्स होते हैं जिनका महात्मा फुले योजना में ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट करके मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है कि जो पेशेंट नागपुर आके अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे भी कर पा रहा हूँ। दिल से संदर्भित अगर किसी को आपसे संपर्क करना है तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? वो मुझे मोबाइल पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर जाके वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने फिर से एक बार डेली इवनिंग 7 to 8 PM डेली इवनिंग 1 घंटा जो कोविड पेशेंट्स है और जो हार्ट के कोविड पेशेंट्स है जिनको हार्ट की बीमारी है और अभी कोविड पॉजिटिव है, उनके लिए मैंने 3 ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन शुरू किया है। ये लास्ट ईयर मैंने कोविड के टाइम पे जब पीक आया था तब मैंने स्टार्ट किया था, बाद में ऑलमोस्ट जब टैपर डाउन हो गया तो वो बंद हो गया, मैंने रिसेंटली भी 2 दिन पहले ही फिर शुरू किया। और टचवुड मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, लोगों को ठीक करके मुझे काफी खुशी मिलती है। एक आखिरी सवाल, मेरा कोविड चल रहा है, नॉन कोविड पेशेंट जैसे हार्ट के पेशेंट हो गए, इन ये जो पेशेंट हॉस्पिटल में आने के लिए कहीं ना कहीं डर रहे हैं, हिचकिचा रहे, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आप देंगे? हॉस्पिटल में आने के लिए हिचकिचाहट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपको हार्ट की कंडीशन है तो ताकि आपको ये पता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस घर पे लेनी है वो आप लीजिए, आप दवाइयाँ रेगुलरली लीजिए और आपके जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट जिनसे आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उनसे ऑडियो या वीडियो कंसल्ट कीजिए। जब तक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो आप घर से कंसल्ट कीजिए, अगर कोई जाँच करने की बारी आती है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी लोग सुरक्षित रहे और हेल्दी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपसे। धन्यवाद।